सो गाइस, अगर आपकी वीडियो पर भी 10 से 20 व्यूज आते हैं एंड जो आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो कंप्लीट होने में नहीं आ रहा, काफी ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वीडियो में आपको मैं जो तरीका बताने वाला हूँ उस तरीके का अगर आप यूज करोगे तो आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम बहुत ज्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। गाइस, आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं लेकिन आपको ये नहीं बताया कि उन वीडियो पर आपको वॉच टाइम कैसे मिलेगा। आपको व्यूज मिल जाता है 10-20-50 जो भी व्यूज आपके जाते हैं मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन उस पर आपका वॉच टाइम नहीं मिलता है। किसी वीडियो पे 1 घंटे का मिलता है, किसी वीडियो पे 2 घंटे का मिलता है, किसी वीडियो पे 30 मिनट का वॉच टाइम मिलता है। तो ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है एंड ज़्यादातर नए यूट्यूबर के साथ होती है, उनको वॉच टाइम नहीं मिल पाता एंड उनका जो 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो कंप्लीट होने में नहीं आता है। तो आप यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती करते हो जिसकी वजह से आपको वॉच टाइम नहीं मिल पाता एंड आपकी वीडियो रैंक नहीं कर पाती है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे दो यूट्यूबर है, एक यूट्यूबर अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करता है 3 से लेकर 4 मिनट की एंड दूसरा यूट्यूबर अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करता है 8 से लेकर 10 मिनट की। अब यहाँ पर होता क्या है, आपका नया चैनल है, आपको कोई नहीं जानता, तो आपकी वीडियो लोग बहुत कम देखते हैं, यानी कि स्किप कर करके देखते हैं। ये हर एक नए यूट्यूबर के साथ होता है, या उनकी वीडियो रैंक नहीं करती है, या कैसे भी करके कोई नया यूट्यूबर आता है यानी कोई नए ऑडियंस आती है तो वो उस वीडियो को स्किप कर करके देखती है क्योंकि उसको फेस पसंद नहीं होता है एंड ये प्रॉब्लम हर एक यूट्यूबर को फेस करना पड़ती है। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे एक बंदे ने आपकी वीडियो पर क्लिक किया और आपने 3 से लेकर 4 मिनट की वीडियो बनाया एंड उस वीडियो को बंदा क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा स्किप करेगा क्योंकि पूरी वीडियो नहीं देखेगा। मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से पूरी वीडियो कोई नहीं देखता है, तो वो स्किप करेगा, स्किप कर करके कितना भी अगर वीडियो देखेगा तो आपकी वीडियो पे लगभग 1 से लेकर 1.5 मिनट का वॉच टाइम आपको मिलेगा उस वीडियो से अगर आप 3 से लेकर 4 मिनट की वीडियो बनाते हो। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो 3 से लेकर 4 मिनट की वीडियो बनाते हो तो यूट्यूब उसको रैंक नहीं कराता है। अगर आपके पास सब्सक्राइबर नहीं है एंड आपका थोड़ा सा बेस अच्छा नहीं है सब्सक्राइबर का, व्यूज का, तो आपकी वीडियो वहां पर रैंक नहीं करती है। अगर कोई नया विजिटर आता है, आपके सब्सक्राइबर कम है और वो उस पर अगर आधा भी वॉच टाइम देता है, अगर आपकी 4 मिनट की वीडियो अगर वो 2 मिनट भी देखता है तब भी आपकी वीडियो वहां पर रैंक नहीं करेगी। ये चीज मैंने खुद देखी है एंड बहुत सारे चैनल को मैंने एनालाइज करके तब मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। एंड यहाँ पर अब होता क्या है, अगर आपने 8 से लेकर 10 मिनट की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है, अगर कोई बंदा उस वीडियो को देखता है तो उस वीडियो को कितना भी अगर स्किप करेगा तो आपको वहाँ पर 3 से लेकर 4 मिनट का वॉच टाइम दे पाएगा। यानी वो कैसे भी वीडियो देखे, जो वीडियो का मेन पॉइंट है वो देखे जाके, तब भी वो आपको अच्छा खासा वहाँ पर वॉच टाइम दे देगा, यानी कि दुगना आपको वहाँ पर वॉच टाइम मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपका तुरंत के तुरंत दुगना वॉच टाइम हो गया अगर आप लॉन्ग वीडियो यहाँ पर बनाते हो शॉर्ट की जगह। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो गई कि आपको यहाँ पर दुगना वॉच टाइम मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक लॉन्ग वीडियो बनाने से, कितना भी बंदा स्किप करे। एंड दूसरा यहाँ पर प्रॉफिट आपका क्या है कि यूट्यूब आपकी वीडियो को बूस्ट कराएगा जो आपकी लॉन्ग वीडियो होगी जिसपे यानी कि थोड़ा सा ऑडियंस ने अच्छा एंगेजमेंट दिया होगा, यानी कि आपकी वीडियो का एंगेजमेंट थोड़ा सा वहाँ पर चेक किया जाता है कि आपकी वीडियो पर बंदा कितना रुका है। यानी कि अगर वो 5 मिनट भी देखता है, अगर वो 3 मिनट भी देखता है, अगर वो 4 मिनट भी वीडियो देखता है तब भी आपकी वीडियो वहाँ पर चलेगी अगर आपकी वीडियो 8 से लेकर 10 मिनट की है। तो इस तरीके से अगर आप वीडियो अपलोड करोगे, अगर आपको नॉर्मली वॉच टाइम मिलता है यानी कि आप 8 से लेकर 10 मिनट की वीडियो अपलोड करते हो तो आपका 1 महीने के अंदर वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। यानी अगर आप रेगुलर वीडियो अपलोड करते हो एंड आपकी वीडियो पर अगर अच्छा एंगेजमेंट आएगा तो आपकी 1 या 2 वीडियो 1 महीने के अंदर यूट्यूब बूस्ट करा देगा, यानी कि उस पर 10,000 या 5,000 व्यूज आसानी से आ जाता है क्योंकि यूट्यूब देखता है कि भाई किस चैनल पे अच्छी एंगेजमेंट आ रही है, किस चैनल पे अच्छा वॉच टाइम मिला है, सारा मैटर वॉच टाइम का यहाँ पर होता है। इस तरीके से आपको जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपकी एक भी वीडियो चल गई तो 1 महीने के अंदर आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप रेगुलर रहते हो तब भी आपका यहाँ पर वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा 1 महीने के अंदर। एंड मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल देखे हैं जिनको मैंने यही तरीका बताया था, जिनने अपना वॉच टाइम कंप्लीट किया एंड मैंने खुद अपना वॉच टाइम इसी तरीके से कंप्लीट किया। आप यकीन मानना एक ना एक आपकी वीडियो चलेगी, बस आपको थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो यानी कि अपलोड करनी है जिसको बंदा थोड़ा सा देख सके, थोड़ा सा वॉच टाइम दे सके। शॉर्ट वीडियो अपलोड करने का कोई भी फायदा नहीं है। मैंने बहुत सारे चैनल देखे जो 3-3, 4-4 मिनट की वीडियो उन्होंने हजारों वीडियो में अपलोड कर दी लेकिन उनका अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो यही प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपके व्यूज नहीं आते, आपकी वीडियो यहाँ पर रैंक नहीं करते। अगर आप वीडियो बनाओ तो थोड़ी लंबी बनाओ, अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो भाई 1 मिनट से नीचे की वीडियो बनाओ, उसको शॉर्ट में अपलोड करो, बस इतना यही सलूशन है और कोई सलूशन नहीं है। अगर आपका एक नया चैनल है, सब्सक्राइबर है, अच्छा खासा बेस है आपका सब्सक्राइबर का, तो आप कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हो, वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपका नया चैनल है तो आपको थोड़ी लंबी वीडियो अपलोड करना पड़ेगी स्टार्टिंग में। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, ये चीज आपको यूज करना पड़ेगी अगर आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना है। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप ज्यादा लाइक नहीं करते, वीडियो तो देख लेते हो, कमेंट कर देते हो लेकिन आप लाइक नहीं करते, तो यार लाइक कर दिया करो यार, गर्मी में वीडियो बनाता हूं बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो फटाफट यार लाइक कर दो। एंड अच्छा से नीचे कमेंट करना, अगर कोई गलती हो तो नीचे आप लिख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।